then I'm gone, baby. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, ये वाला ट्रेंड इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए ट्रेंडिंग वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी प्ले स्टोर से, और आपको इसे कनेक्ट कर लेना इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर कैपकट ऐप ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में पुरानी वाली कैपकट ऐप तो आप उसे डिलीट कर देना, ये न्यू वर्जन आया कैपकट ऐप का, आप ये वाला कैपकट ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड आप कैसे करोगे मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। कैपकट ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद एक फ़ोटो एडिट कर लेनी है। अगर आप ये वाली वीडियो पर बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने इस टाइप की एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने वीडियो पर आप ये वाली वीडियो बनाना सिखाया है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ोटो की, तो एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर साइज़ पर क्लिक करके रेटियो पर 9.16 वाला साइज़ लगा के, अगर आपका फ़ोटो स्क्रीन पे फुल साइज़ में नहीं होता है तो जूम करके आप फुल साइज़ में कर लेना है। फिर आपको इस फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, तो आपको इसे कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, डबल हो गया फ़ोटो का। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पे क्लिक करना है, और चाहो तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, एक कॉपी और करना है इसका, ठीक है। तीन बार आपने इसे कॉपी कर लिया। अब आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पर आना है। यहाँ पर उससे पहले आपको म्यूज़िक लगाना है इसमें, तो यहाँ पर एड ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल वाले फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करके म्यूज़िक लगा देना है। म्यूज़िक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कैसे करना है आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। म्यूज़िक लगाने के बाद आपको इफेक्ट लगाने हैं, तो इफेक्ट आप कौन से लगाओगे, फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, नीचे स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा ऑल पेंटिंग वाला ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करके पार्टिकल्स डी वाला इफेक्ट लगा देना है फर्स्ट वाले फ़ोटो पर। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आपका इफेक्ट लग जाएगा। अब आपको सेकेंड वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करना है, एल पेंटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप पार्टिकल्स आपको सेकंड वाला इफेक्ट लगाना है इसका। यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड वाले फ़ोटो में आपको सेकंड लगाना है। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आपका ये वाला इफेक्ट भी लग जाएगा। अब आपको इनमें साइज़ ठीक करने हैं, तो इनके साइज़ आपको कितने कितने करने हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको शुरू का थोड़ा सा पार्ट स्प्लिट करके और इसे डिलीट कर देना, चाहो तो इस तरीके से आप पास को ला के भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको आगे चलना है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका इतना इफेक्ट ख़त्म होता है ना, यहाँ पर देखिए इतना इफेक्ट शो हो रहा है, इसे आपको स्प्लिट कर देना या पास को ले आना इस तरीके से, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वाले फ़ोटो पर आना है। जितना आपका ये वाले साइज़ में देखिए इतना, मतलब फ्रेम फ़ोटो का ये आ रहा है, डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, इसमें इफेक्ट का, तो यही वाले इफेक्ट को आपको यहाँ पर आना है इतने पर, ठीक है। इसका भी शुरू का जो खाली पार्ट होगा उसे आपको डिलीट कर देना इस तरीके से। अब बचा आपका एंड वाला फ़ोटो, इसे आपको म्यूज़िक के एंड तक कर देना है। अब आपको लास्ट वाले फ़ोटो में ना तीन स्प्लिट लगाने हैं, तो स्प्लिट आप कहाँ लगाओगे, तो मैंने पहले से लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइम पर स्प्लिट लगाने हैं। दो स्प्लिट तो आपके लग गए होंगे फ़ोटो के, थर्ड वाले स्प्लिट आपको लगाना है, तो वो किस टाइम पर लगाना है, यहाँ पर देखिए टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आएगा ना, ये 07 से बताता हूँ मैं आपको, 07 के बाद जो यहाँ पर आएगा आपका ये 15F के बाद जो डॉट है, यहाँ पर आपको एक स्प्लिट लगाना है और एक स्प्लिट आपको यहाँ लगाना है गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 08 के बाद, 08 के बाद जो यहाँ पर 10F है ना, एक स्प्लिट आपको यहाँ लगाना है, दो स्प्लिट आपको लगाना है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको इफेक्ट कौन से लगाने हैं, और तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपका ये वाला इफेक्ट लग गया, ठीक है, सेकेंड में आपका ये लग गया। अब आपको थर्ड वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, नीचे एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पर इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रॉक वर्टिकली नेम का इफेक्ट लगा देना है। सेकंड वाले फ़ोटो में क्लिक करके एनिमेशन पे क्लिक करके इन पर क्लिक करके रॉक वर्टिकली से जो नेक्स्ट वाले इफेक्ट है आपको ये लगा देना है, और लास्ट वाले फ़ोटो में आपको रॉक वर्टिकली वाला लगा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोटो के बीच में जो आई बटन जैसा निशान आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको फ्लैश वाला इफेक्ट लगाना है, वाइट फ्लैश,
ड्यूरेशन कम कर देनी है। इससे पहले वाले पे भी आपको यही करना है और इससे पहले वाले पे भी आपको यही करना है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको इसमें मटेरियल वगैरह एप म्यूज़िक डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए और कैपकट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मटेरियल लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर आपको ये वाले वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट में जाने के बाद सब कुछ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कैपकट ऐप भी म्यूज़िक भी, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है अगर आपको वहाँ पर पोस्ट नहीं मिलता है तो। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर साइज पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।